अब न्यूटन का लॉ पढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपने कहा द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा यह किसी को नहीं पता। एक तरीका यह है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला, उसने कहा हां, बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास, तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है और ऐसा एक हफ्ते बीत गया, तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन, तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन एंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स, लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, बाबू एक्शन में आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा सर। यह है पढ़ने का उद्देश्य। जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है, अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आप कहोगे उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी, यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। साहब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं, तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर कोई बेमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव कर, लोग डांटेंगे, होगा तभी तो भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है, यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और इनकी पोस्टें पढ़ो सर तो लगता है कि इनको कोरोना ही मारेगा।